ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में यूनाइटेड प्रेस क्लब ने दिवंगत पत्रकारों के सम्मान में समारोह आयोजित किया। इसमें लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता मौजूद रहे। ओएसडी दत्ता ने कहा, पत्रकार समाज का दर्पण है। दत्ता ने कहा कि कोविड के दौरान पत्रकारों का समर्पण अद्वितीय रहा। कोविड काल में कई पत्रकारों ने समाज हित में दी प्राणों की कुर्बानी। ऐसे पत्रकारों के परिवारों के साथ खड़े होना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। दत्ता ने कहा कि खुद को जोखिम में डाल सच्चाई समाज के सामने पत्रकार लाते हैं। जर्नलिज्म एक आईना है जो एक सच लोगों को आपके सामने लाता है। गांव में अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, एजुकेशन के स्कूल नहीं है, कहीं कोई वारदात होती है उसका सही परिदृश्य एक जर्नलिस्ट ही अपने को दिखा सकता है। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में स्पाइन सर्जरी कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला हड्डी रोग विभाग और जयपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के सहयोग से आयोजित की गई। एक दिवसीय स्पाइन सर्जरी कार्यशाला में शहर के 50 से अधिक मेडिकोज को बोन मॉडल द्वारा स्पाइन सर्जरी से संबंधित तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का ऑनलाइन लाइव प्रदर्शन भी किया गया। हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर एसपी गुप्ता ने बताया कि कार्यशाला में रीढ़ की हड्डी की जटिल संरचना तथा पेडिकल स्क्रू आदि सर्जरी को ऑडियो विजुअल माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यशाला में संयोजक डॉक्टर विकास भांभू ने बताया कि इस अवसर पर डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर मोहित कुमार, डॉक्टर संदीप यादव, डॉक्टर मोहित मीना, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और डॉक्टर अमित जैन आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित, डॉक्टर जय सिंह राठौर, डॉक्टर ईश्वर मीना भी उपस्थित रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन